मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के वास से प्रेरित और पावन भूमि है। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन सांदीपनी आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते और जीवन में श्री कृष्ण के नाते से दुनिया में जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का ही सौभाग्य है जहाँ नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा से मित्रता हुई, अर्थात गरीब और अमीरी की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। मध्य प्रदेश में धार के पास अंधेरा स्थान है जहाँ वीरता के बलबूते पर रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को युद्ध में हराया था। हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। समझ गए? आप क्रीमी लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं कुछ भी समझना, मैं तो मुझे समझना ही नहीं है भाई, मुझे नहीं पता है। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। कोई बात ही नहीं है, क्रीमी लेयर को समझते क्या है? हम समझे ना समझे, हमारा आरक्षण वापस चाहिए बस। आप समझते क्रीमी लेयर? ये क्रीमी लेयर ही चल रहा है। कोई क्यों, क्या है क्रीमी लेयर? क्यों नहीं है बताइए? जातिवाद पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है बताइए। एसटी ओबीसी पे क्या, कौन सा हमें अधिकार मिल रहा है? कौन सा मिल रहा है? हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश में एक ऐसा कारनामा हो गया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ भाई। एक व्यक्ति की पूरी बिल्डिंग ही गिरा दी, बिल्डिंग तो गिराई गिराई, साथ में मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा भी कर डाली। वो घोषणा क्या है? साथ में किसानों के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो रही है और छतरपुर में एक बड़ा कांड हो गया जिसके चलते भैया जो पुलिस वालों से पंगा लेते ही क्यों हो, पहली बात तो ये है। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज्ञापन देने के बहाने जब पुलिस थाने गए तो वहां पर पथराव कर दिया। पथराव में हमारे वहां के टीआई घायल हो गए, कुछ पुलिस थाने वाले घायल हो गए, आईसीयू में भर्ती हैं। उनने इलाज कैसा किया कि उनने पूरा सपाचट करके बुलडोजर चला दिया। इसके अलावा आज बड़ी खबर, 3,000 रुपए लेने के लिए लाडली बहनों की बैंक में लग गई भीड़। भैया क्या हुआ? 3,000 रुपए देखे एकदम से अचानक से भैया अकाउंट में आ गए। मतलब जिन घर में कभी 100-200 रुपए भी नहीं आ रहे हो और अचानक से 3,000 रुपए आ जाएं, वो महिलाएं क्या करेंगी? देखिए ये वीडियो आज का ही वीडियो है, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये वीडियो क्यों इतना वायरल हो रहा है और आखिर लाडली बहनाओं ने आज ही पैसा निकालने की बात क्यों हुई, क्योंकि यहां पर एक अफवाह हुई। अफवाह ये चल पड़ी कि लाडली बहनाओं के खातों में जो पैसे आए हैं वो 10 दिन के अंदर वापस सरकार ले लेगी। अब जब ये बात किसी के, अब देखो क्या होता है कि अगर कोई अफवाह फैलाता है तो अफवाह चारों तरफ यही जल्दी जल्दी फैलती है। तो वो लाडली बहन आपस में कनेक्टेड थी, पड़ोसी मोहल्ले सब में डेढ़ोरा पीट दिया भैया कि 2-10 दिन के अंदर पैसे निकल जाएंगे, आपका अकाउंट खाली कर दिया जाएगा, इसीलिए 3,000 रुपये वापस जल्दी जल्दी निकाल लो। देखो ये वीडियो 3,000 रुपये के लिए महिलाओं ने आज किया। ये जो लाइन लगी हुई है ये SBI बैंक की लाइन है, यहाँ पर महिलाएं लगातार अपने 3,000 रुपये निकालने के लिए फॉर्म भर भर के और पैसे निकालने के लिए लगी हुई है। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से पैसे 10 दिन में वापस ले लिए जाएंगे। महाराज सरकार ने परसों ही 3,000 रुपये इनके खाते में डाले हैं और कुछ महिलाओं के लिए 27 तारीख को फिर पैसे डालने वाले हैं और 27 तारीख को पैसे डालने वाले हैं उनके अकाउंट में डालेंगे जिनके पैसे नहीं आए। अब किसी ने बना दिया गलत वीडियो बनाने के चक्कर में, आप देखो ये कैसी हालत हो रही है। ये आज की लाइव फुटेज है, पूरे इंडिया में ये वायरल हो रही है। लाडली बहनाओं के 3,000 रुपये पुलिस वाले परेशान में चाहते हो तेरा पूरा परेशान। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर है आज आपके लिए। 25 अगस्त तक हमारे यहां पर नई रजिस्ट्रेशन की घोषणा हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। कपिल सिब्बल कोर्ट में हंस रहा है। पहली बात तो इस व्यक्ति ने ये कोर्ट केस लिया ही क्यों? अभी जब रिसर्च में सूत्रों पता चला, CBI ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये बोला है कि जो रेप केस हुआ था कोलकाता में उसके सबूतों से छिड़खानी हुई। अरे उस व्यक्ति को बचाना ही क्यों यार? जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है सबने देखा, वीडियो फुटेज आ गई, उसको बचाया क्यों जा रहा है? अगर वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, उसको फांसी हो जाएगी, तो इन लोग का क्या बिगड़ जाएगा? तो कपिल सिब्बल के बारे में हम बताएंगे। कोर्ट में हंसी आ रही थी, बंगाल रेप की बात करना ध्यान भटकाना है। राहुल गांधी कहीं जा रहे थे तो मीडिया ने पूछ लिया
कि साहब बंगाल के रेप केस में आप क्या बोलना चाहेंगे, उन्होंने बोला कि भाई दूसरे इंपॉर्टेंट काम है, ये कोई बड़ा बात थोड़ी है, मतलब इनके लिए बड़ी बात नहीं लग रही है। और एक दिन कुछ समय पहले फोटो खिंचवा रहे थे किसी किसान के, मोची के जूते सिल रहे थे, वो बड़ी बात हो गई। मोची के जूते सिलना बड़ी बात हो गई, किसी के घर में जाकर रोटी खा लेना बड़ी बात हो गई, और एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ वो बड़ी बात नहीं है इनके लिए। मैं सुनाऊंगा इनने क्या कहा है, ये वादियों में बताऊंगा मैं आपको। तेंदुपत्ता संग्राहकों को आज मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी। तेंदुपत्ता संग्राहक पे मानक बोरा, जिसमें वो भक्कू में भरा रहता है, बोरा होता है, बड़ी साइज का बोरा होता है, तेंदुपत्ता का बोरा थोड़ा बड़ा होता है, उसके लिए कभी 450 रुपये मिला करते थे एक बोरे के, आज वो 4000 रुपये कर दिए गए। इस पर हम बात करेंगे। लाडली बहना योजना वापस लेने के लिए मैंने आपको वीडियो दिखाया अभी, SBI महाराष्ट्र SBI में लंबी लंबी लाइन लग गई और अफवाह फैल गई पैसे खाली कर दिए जाएंगे। इसको लेकर 1 करोड़ नहीं अब 3 करोड़ दीदी बनाई जाएंगी लखपति। लखपति दीदी योजना का जिक्र अभी 15 अगस्त के पहले मोहन यादव ने भी किया था। अब मामा ने चूंकि पूरे भारत का जिम्मा मिला है तो पहले 1 करोड़ लखपति दीदी को पैसे देने की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार बजट में लाभ होने की वजह से, बजट में ज्यादा पैसा होने की वजह से उन्होंने लखपति दीदियों की संख्या बढ़ा दी है। कहा है अब 3 करोड़ दीदियों को पैसा देंगे, अभी 1 करोड़ की बात चल रही थी। इस पर हम बात करेंगे। MP के छतरपुर के थाने में हमला होने के बाद पथराव की गई भीड़ में से चिन्हित करके उनके एक एक करके सेकुलर नेता शहजाद अली, भैया सेकुलर बोलते थे अपने आप को, और पुलिस को ही ठोक डाला, पुलिस को ही पथराव कर दिया। भैया थोड़ा अकल तो रखा करो यार, क्यों थानों वानों पर जाके ऐसी हरकतें करते हो। उनका बड़ा बंगला था 20,000 स्क्वायर फीट का, वो निपटा दिया सरकार ने। मैं आपको दिखाऊंगा ये बंगला कैसे हालत खराब हुई, हालांकि आपने देखा भी होगा पश्चिम बंगाल की हालत देखिए, वहां के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग झंडा लगाने से मना कर रहे हैं। देश का कमाएंगे, देश का खाएंगे, देश की हर मुफ्त की चीजें लेंगे, लेकिन जब झंडा लगाने के लिए वहां पर लोग गए तो वो झंडा लगाने से मना कर दिया। इस पर हम बात करेंगे। दरभंगा में आवारा गुंडों पर जबरदस्त लाठीचार्ज देखने को मिला। अब आवारा गुंडे किसको कहा गया है, कल आपने देखा होगा कई लोग आरक्षण के विरोध में। अब वो लोग क्या थे, देखो जिनको राजनीति करना है वो तो अपने पद पे पहुंच गए, बेचारी आम जनता पिट जाती है। भाई SC ST OBC आरक्षण मामले में गलत इन्फॉर्मेशन फैला के कल भारत बंद करने की घोषणा की गई। जब भारत बंद करने की घोषणा की गई तो वहां पर अब बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे भी कुछ लोग होते हैं, जिनको देखो सरकार ने कहा, सरकार ने वैसे भी नहीं कहा, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जिनको वास्तव में जरूरत है, गरीबों को, वंचित को, दलितों को, जिनके पास अभी पैसा नहीं है, जिनको परेशानी हो रही है, उनको आरक्षण दो, उनको नौकरी में आरक्षण दो, उनको आरक्षण दे के आगे बढ़ाओ। अब जो ऑलरेडी कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, जो ऑलरेडी बड़े बड़े नेता बन गए हैं, बड़े बड़े नेता जिनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, उनको भी आरक्षण चाहिए क्या? इसको लेकर, और देखो ये समझदारी वाली बात है, आरक्षण को लेकर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि 10 साल के लिए आरक्षण लगाना है, उनने 20 करा, उसके बाद 25-50 करा, करते 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 आरक्षण के मामले में लोगों को ऐसा लगता है। और यही चीज राकेश टिकैत ने कल बोली कि बांग्लादेश जैसा हालत हो जाएगी भारत की। अरे हमारी जनता समझदार है, वो इतनी पागल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनों को फिर अब कल लट पड़े, वो तो बात की बात है, हम बताएंगे आपको लट पड़े हैं। थाने में नाच गाकर रील बनाई जा रही थी, लेडी कांस्टेबल, जेंट्स कांस्टेबल, भैया ऐसे ऐसे गाना, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, खोल दिया ताला, होगा सस्पेंड। इस पर हम बात करेंगे। और जन्माष्टमी पर्व सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने हैं, एज ओलोपी आप दिख रहे हैं भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर, आप मैं जा चलिए यहां पर थाना जन्माष्टमी पर्व मनाए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 अगस्त को एक आयोजन समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्णय लिया है कि आगामी 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व को आयोजन के संदर्भ में दिए गए निर्देशों के संबंध में पालन करना है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा एवं मित्रता के प्रसंग जीवन दर्शन के आधारित प्रदेश में ऐसे घटना स्थल, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े विशेष प्रसंग, समस्त मंदिर निर्माण में स्थापत्य उनकी विशिष्ट अवसरों पर प्रसारित किए जाने के लिए, गौरवशाली इतिहास को बनाने के लिए जन्माष्टमी के पर्व पर सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों महाविद्यालयों में भारतीय विशिष्ट परंपराओं के योग आदि पर व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जावे। यानी कि जन्माष्टमी इस बार अलग तरीके से मनाई जाएगी, और क्यों ना मनाई जाए इस पर भी कई लोग को आपत्ति होगी, लेकिन मुझे आपत्ति नहीं है। संस्कृति, जब सब लोग अपनी अपनी संस्कृति का गुणगान करते हैं तो हमको अपने करने में क्या दिक्कत है। हिंदुओं एक होने के लिए, एकजुट होने के लिए हमें कैंपेनिंग भी चला रहे हैं, SC ST OBC भाई बहन और हमारे जैन समाज के और हमारे छारकोट क्षत्रिय ब्राह्मण, ये सब लोग आपस में एकत्रित हो जाओ रे,
जरूरी एकता लाना, नहीं तो बांग्लादेश पाकिस्तान तो इनने पहले छीन ही लिया, अब भारत के और टुकड़े करने में इनको देरी नहीं लगेगी। पश्चिम बंगाल की हालत में आपको दिखाता हूं, देखिए पश्चिम बंगाल में एक दुकान पर, पश्चिम बंगाल में एक दुकान पर झंडा लगाने के लिए कुछ लोग गए थे, ये परसों का वीडियो है जो आज वायरल हो रहा है, देखिए वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा कि अगर अभी लगाम नहीं लगाई गई रोहिंग्याओं पर, रोहिंग्या जो उइगर रोहिंग्या जो लोग हैं ना, इन पर दिक्कत हो जाएगी। बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे यहाँ पर घुसते आ रहे हैं और अपना यहाँ पर खाएंगे भी सही, फर्जी राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनको बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए देखते हैं भाईजान, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप प्लीज कृपया करिए मेरे पे, आप यहाँ पे मत लगाइए झंडा, प्लीज कर फिर तो बोलने का मन करता है कि भैया ये गलत काम हो रहा है, ठीक है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हाँ एक साथ और है, इन्हीं में से कुछ लोग, नाम था शहजाद अली, इनके घर पे चढ़ गया बुलडोजर। तो यहां पर कोई भी उपद्रवी तत्व क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सबको भैया दायरे में रह के काम करना चाहिए। पथराव करो तो किसके ऊपर कर रहे हो देख के करना चाहिए, क्यों कर रहे हो भाई, पहले पथराव करना ही नहीं चाहिए यार। मानवता, हम जब साथ में रह रहे हैं तो आपको किसी के बारे में भाई जजमेंट है, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, उनसे बात करो ना यार जाके, कि आप खुद ही कानून हाथ में ले लोगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एक ट्वीट किया कि इन लोगों पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो और आगे चलकर कोई भी जाति समाज का व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया, बताओ। तो छतरपुर की बात है, बड़ी घटना है, 1 करोड़ नहीं 3 करोड़ लग्नपति दीदी बनाई जाएंगी, यानी कि 3 करोड़ महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सितंबर के माह में लखपति दीदी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएंगे। अगर आपको भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको आगे चल के बता सकें कि आखिर कब कब और क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको फायदे में। ये 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे आपको धंधा चालू करने के लिए। तो देखते हैं ये किस किस को और कैसे मिलेंगे, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, बट आज मामा का बड़ा बयान देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए मैं 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करूंगा। मेरी बहनों, मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं, पीएम तो करेंगे लेकिन हम क्या करेंगे? हम अगर लीड कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को, आजीविका मिशन को, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन से लेकर बाकी जो आए हैं हम सब, हम भी 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करें ताकि बहुत जल्दी 3 करोड़ लखपति दीदी का संकल्प हम पूरा कर पाए और उसके भी आगे बढ़े। फिर क्यों गरीब रहे, क्यों कोई महिला गरीब रहे, क्यों मजबूर रहे, क्यों हाथ फैलाए, क्यों आंखों में आंसू आए? काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, नहीं रहेंगे गरीब। हम कोई गरीब और मजबूर रहने के लिए पैदा नहीं हुए। तो यहां पर 1 करोड़ नहीं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। लाडली बहना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो को देखिएगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये SBI में एक रूमर फैल गया कि लाडली बहनाओं को जो पैसे आए हैं उनको खाते से निकाल लिया जाएगा 10 दिन में सरकार के द्वारा, तो उसको उपयोग कर लीजिए। अब ये खबर महाराष्ट्र में फैली, तो 3,000 रुपए खाते में डाले गए थे, उनको निकालने के लिए लखपत जो दीदियां थी वो पहुंच गई।
लाडली बहनाएं थी वो पहुंच गई बैंक में, क्योंकि हमारे पैसे निकाल के दो, नहीं तो पता चला हमारा खाता खाली हो जाएगा। बाद में पुलिस और अधीक्षक की समझाइश देने के बाद इनको मना किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पैसे नहीं निकाले जाएंगे। ये भीड़ देख सकते हैं आप लोग, पुलिस यहाँ पर बड़ी परेशान हो गई आज यार, हर SBI बैंक में लाइन लग रही है, बोलो क्या, बोले पैसे खाली हो जाएंगे, पैसे खाली हो जाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो थोड़ा अफवाह पर ध्यान ना दें, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, 3000 रुपये लाडली बहनाओं को जब वहाँ मिल सकते हैं आपके महाराष्ट्र में, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। तो हमारे यहाँ भी, महाराष्ट्र के अलावा हमारे यहाँ पे भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि भैया हमारे यहाँ पर भी 3000 रुपये किए जाएंगे। हालांकि मामा ने भी घोषणा की है और मोहन यादव ने भी घोषणा की है। चलिए, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज मोहन यादव ने बड़ा घोषणा करी है कि प्रति बोरा भक्कू, जिसको बोलते हैं, एक बोरा होता बड़ा जिसमें तेंदुपत्ता रखा जाता है, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपये प्रति मानक बोरा दिया जाएगा। सुनते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान। यहाँ इसी स्थान पर 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के 13 लाख परिवारों को हमारी सरकार के द्वारा 953 की रुपये प्रति की दर से बोनस दिया गया, जोरदार अभिनंदन करो। अकेले ग्वालियर सर्किट में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का बोनस बांटा जा रहा है, और जिला यूनियन श्योपुर की ओछापुर समिति में सबसे ज्यादा 57,23,000 रुपए का बोनस आपके यहाँ बांटा जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी ओछा समिति के लिए। शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल में 5,56,00,000 रुपए के शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल की यूनियन के अशोक नगर की फतेहाबाद में 31,00,000 रुपए का बोनस बांटा जा रहा है। हमारी सरकार ने तय किया तेंदुपत्ता संग्रहण में 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति समाज के लोग लगे हैं। जंगलों में मिलने वाले तेंदुपत्ता, महुआ, हर्रा, बरेड़ा, ये कई सारे लघु वन उपज से उनका जीवन चलता है। ऐसे मोहन यादव ने एक बार फिर मतलब तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए पैसे बढ़ाकर बड़ा काम कर दिया है। बट बंगाल रेप केस को लेकर 2 शर्मसार करने वाली बातें सामने आई हैं। सभी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इसको राजनीति में ना लें, अन्यथा ना लें, क्योंकि एक ऐसी बेटी, आपके घर में भी बहु बेटियां होंगी, आपके घर में भी लोग होंगे, अगर कपिल सिब्बल जैसे लोग केस लड़ रहे थे वहां तक तो ठीक था, आज उन्होंने यहां पर हंसा दांत दिखाए, जिसको लेकर अपोजिशन वकील ने, आपको मालूम था तुषार मेहता लड़ रहे हैं अपोजिशन में, तो उन्होंने जो कि केस लड़ रहे हैं, निर्भया का साथ भी इन्होंने सपोर्ट किया था, कपिल सिब्बल को तुरंत टोक दिया। ये पहले कपिल सिब्बल का वीडियो देखते हैं, उसके बाद इनके ही, कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के लीडर रहे हैं एक समय पे, उनके जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम आप जानते हैं, खड़गे जी, उनके साथ, मतलब अध्यक्ष तो ही हैं, वो तो नाम है केवल खड़गे, उन्होंने बंगाल रेप केस को ध्यान भटकाने वाला कहा। ये दोनों वीडियो बैक टू बैक देखते हैं, पहले देखते हैं कपिल सिब्बल का। आपका क्या कमेंट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Medical College Hospital Police Outpost that a lady of PG trainee of so-and-so was found lying in unconscious state at so-and-so medicine department of third floor of emergency building in so-and-so, according to inform sector 920C, and under his order leading PS with lady police. So this is not general diary entry. What is that? Is what DD is that? Not somebody has lost that life. According to the don't rules, at least laugh. One second. According to the rules, murders that we follow, a girl has these regulations we've done in accordance. Medical College Hospital Police Outpost that a lady of PG trainee of so and so. Supreme Court ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने हैं। एज ओलोपी आप देख रहे हैं भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, ठीक। मतलब ये दो बैक टू बैक वीडियो मैंने आपको दिखाए, और यहाँ से यह पता चल रहा है कि इस व्यक्ति के मन में जरा भी संवेदना नहीं है। अब थोड़ा सा कभी जूता सिलने पहुँच गए फोटो खिंचवाने के लिए, किसी घर में पहुँच गए खाना खाने के लिए, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि वहाँ फोटो खिंचवाने लगे कि हम तो देखो इनकी बात सुनो, ट्रेन में बैठ गए बच्चों से बात कर रहे हैं। भैया जिस पर बात पूरी जनता कर रही है उस पर नहीं करना तुमको बात, बात किस पर करना है? ट्रेन में बैठ गए, हाँ बच्चों क्या हुआ, अरे तुम्हारे पास काम नहीं इसलिए तुम बात कर रहे हो, जिस दिन तुम कुछ ना कुछ मतलब कुछ काम आ जाएंगे तो पता नहीं चलता कि करते क्या। ये नेता है, मतलब घर में एसी में बैठ के खाना पीना खाने वाले लोग किसानों की बात करेंगे, ये
थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की चीजों में आप भटकाव में ना आए। और कुल मिला के मुख्यमंत्री, किसान और सभी प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। और हमारे हमारा जो दरभंगा में गुंडों पर लवर्स लाठीचार्ज, ये देख के आपको मजा आएंगे कि भैया जब आपको पता नहीं कि हो क्या रहा है, इनसे पूछा गया कि आप क्यों डंडा लेके दौड़ रहे हो, अरे हमारा तो पता नहीं क्या, मतलब उनको पता ही नहीं कि क्यों लड़ाई, क्यों दंगे हो रहे हैं और क्यों ये लोग भारत बंद करने की बात कर रहे हैं। और फिर पुलिस ने क्या किया, ये देखते हैं वीडियो। क्या होगा भगवान जाने। तो चलिए भैया, अगर आज की समाप्ति यहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक बात बता दें, आज से जवाहर नवोदय विद्यालय का कोर्स चालू हो रहा है, कल सुबह आपको एप्लीकेशन में दिखाई दे जाएगा। इसके लिए हमारी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, दीप्ति सिंह एकेडमी, 599 रुपीज़, यानी कि 599 रुपये का आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारी पूरी टीम आपको लगातार पढ़ाई करवा रही है। हमारे YouTube चैनल पर आप देखेंगे अभी एक इतिहास की क्लास चल रही है। अगर आप में से कोई भी UPSC, PSC या फिर पटवल पुलिस एग्जाम दे रहा हो तो ये वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो बंद करके हमारी एक क्लास चल रही है इतिहास की, उसको एक जरूर देखें एक बार, हमारी फैकल्टी कैसा पढ़ाती है। राहुल सर की क्लास चल रही है, राहुल सर की इतिहास की क्लास चल रही है, जस्ट आप वीडियो बंद करके देखिएगा। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, वो क्लास जरूर देखिएगा। राहुल सर की क्लास चल रही, देखिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अपनी चैनल पर चल रही ना ये, ठीक है, मैं आपको इसकी लिंक देता हूँ। जी हाँ, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ये देखिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, ये आप जरूर देखिए। हमारी फैकल्टी का कैसा पढ़ाने का तरीका है, आप ये देखिएगा। मैं लिंक फिर से भेज रहा हूँ एक बार, ये लिंक पिन भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को मिलती रहे, ठीक है। एक बार फिर से भेज दो तो ऊपर आ जाएगी वो, ठीक है। चलिए ये मैं आपको पिन कर देता हूँ, इस लिंक पर जाकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी फैकल्टी कैसा पढ़ाती है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ये पूरी टीम आपको पढ़ा रही है, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। इस वीडियो को जरूर देखना जो मैंने लिंक दी है।